बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शब्बीर चौधरी की तरफ से प्रोग्राम माय वॉइस में आप सबको वेलकम करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। आज मेरे मेहमान हैं जनाब महमूद कश्मीरी साहब, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस के चेयरमैन हैं, पहले भी कई बार तशरीफ ला चुके हैं। महमूद कश्मीरी साहब, वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मेहरबानी। अच्छा जनाब, मैंने अक्की बुरकी अंदाज में बातें करनी है, और बात हमने ये करनी है कि पिछले साल जब आपके पड़ोसी मुल्क के वजीर आजम वो जब यूएन में तशरीफ ले गए, तो वहां पर उन्होंने जो टाइम एलोकेटेड था उससे बढ़कर लंबी चौड़ी बातचीत की, तकरीर की, अंग्रेज भी सुना है अच्छी बोली, और जब वो टाइम एलोकेटेड से बढ़कर तकरीर करने के बाद ढाई से उतरे, बल्ले बल्ले होगी जी, उन्होंने जी कश्मीर जैसे फतह कर लिया हो, बड़े लोग खुश थे, जम्मू कश्मीर के लोग भी, पाकिस्तानी भी, तो हर तरफ बल्ले बल्ले हो रही थी। तो मुझे बताएं कि उसकी तकरीर के बाद क्या जम्मू कश्मीर के मसले में कोई पेशरफ्त हुई है हल करने की तरफ, या कोई फायदा हुआ है जम्मू कश्मीर के लोगों को, या मसला कश्मीर को कोई फायदा हुआ है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। रियासत जम्मू कश्मीर के जो दोनों पड़ोसी हैं, इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया के जो लोग हैं वो कहते हैं जी कि हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी 56 इंच का सीना है। अच्छा, वो उसमें बहुत खुश हैं। और जो पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है उसके लोग बड़े खुश हैं जी कि ये अंग्रेजी भी बोल लेता है और बड़ा स्मार्ट भी है। अच्छा, इन दोनों चीजों में से इन दोनों पड़ोसी ममालिक के लोग बड़े खुश हैं। अलबत्ता जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब है, उन्होंने जो तकरीर की थी उसमें तो रियासत जम्मू कश्मीर की या तहरीक आजादी को तो कोई फायदा नहीं मिला। अलबत्ता पाकिस्तान के लोग, चूंकि वो बेचारे पिछड़े हुए लोग हैं और सोच समझ से आ रही है, बस उसी से बहुत खुश हो गया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंग्लिश बोली है और इंग्लिश बोलने पर ही बस वो जनाब वाला जश्न मना रहे हैं। रियासत जम्मू कश्मीर तहरीक आजादी के हवाले से ना तो वो खुद तहरीक आजादी कश्मीर की हिमायत करते हैं और ना ही दूसरों को रागब करते हैं, क्योंकि इनका जो मकसद है वो जम्मू कश्मीर की आजादी की तहरीक नहीं है, बल्कि इनके मकासद कुछ और हैं, जो कि अब आस्ते आस्ते हमें तो फ्रॉम डे वन से पता था, मगर जो लोग किसी फहमी का या खुश फहमी का शिकार थे, अब उनको भी पता चलना शुरू हो गया है कि जो इनके इरादे थे वो क्या हैं, वो अब आना सामने शुरू हो गए। उनके इरादे क्या करते हैं कि बहुत से लोग जो है ना, हमारे, मैं अपने खानदान में कहूंगा, बहुत से लोग अभी भी यही समझते हैं कि पाकिस्तान हमें आजादी दिलाएगा और पाकिस्तान हमारा मोहसिन है, पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, तो इस तरह हर खानदान में लोग मौजूद हैं। तो आप क्या कहते हैं कि उनके इरादे क्या हैं पाकिस्तान वालों के? देखिए ना जी, उनके इरादे जिस वक्त 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने जो आर्टिकल 370 और 35 का खात्मा किया था, उस वक्त हमने कहा था जी कि ये पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर जो है वो जम्मू कश्मीर को हड़प करना कर रहे हैं, और कुछ थोड़े टाइम के बाद जो है वो पाकिस्तान भी वही काम, बल्कि पाकिस्तान ने तो गिलगित बल्तिस्तान में तो पहले कर दिया था, आजाद कश्मीर के हवाले से उन्होंने आप शुरू कर दिया है। वो आपके सामने है कि जो 14वीं तरमीम है जिसके जरिए जो है वो जो आजाद, पहले तो लिखा जाता था आजाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर, अब वो कर रहे हैं कि रियासत को बिल्कुल ही खत्म कर रहे हैं। तो आस्ते आस्ते ये सारे मामला जो है, ये जिस तरीके से हमारा मीरपुर है ये तहसील दीने का हिस्सा बन जाएगा, और इसी तरीके से बाकी जो हमारी रियासत के इलाके हैं वो पाकिस्तान एक चाल के तौर पर, एक मनाफत के तौर पर हमारे इन इलाकों को हड़प करना चाहता है। और मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी हुक्मरानों को, कि ऐसी ऐसी हरकत करने से बाज रहें, क्योंकि रियासत जम्मू कश्मीर के वो लोग जो पाकिस्तान के जेर कब्जा हैं, उसका जो नौजवान तबका है, वो आपकी सारी मुनाफ़त को, आपकी सारी जो बदमाशियां थी रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से उसको समझ चुके हैं, आप वो मजामत करेंगे। तो लिहाजा अब भी वक्त है कि अगर पाकिस्तान के हुक्मरान जो हैं वो आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर मुश्तमल एक हुकूमत को रिकग्नाइज कर लें, ताकि ये मामला अपने आगे चलाए जा सके, चूँकि मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के हुक्मरान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि वो कश्मीर को हड़प करना चाहते हैं, उसी के लिए जो है वो उन्होंने ये जो 14वीं तरमीम है इसको सामने लाए और प्रेशर डाल रहे हैं आजाद कश्मीर की हुकूमत पर कि वो उसको आंखें बंद कर इसके ऊपर अंगूठे लगाएं और हमारे हवाले करें। तो ये जो पाकिस्तान का फ्रॉम डे वन से जो मनसूबा था वो रियासत की तकसीम का, वो जो बिल्ली है वो थैले से अब बाहर आ गई है। अब रियासत के लोगों की जिम्मेदारी है
कि इस मुनाफत मुनाफत का इस मुनाफक जो लीडरशिप थी पाकिस्तान की, उनका किस तरीके से मुकाबला कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी रियासत को बचा सकते हैं। ये रियासत के लोगों पर जो है बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस काबिज कुबत के सामने खड़े हो जाए और अपनी रियासत को बचाए। आपने कहा जी लफ्ज के लोग मजामत करें या मजामत करेंगे, तो किस तरह की मजामत जो है ना इन्विजिज कर रहे हैं आपके जहन में, कौन किस तरह की मजामत है? उस तरह की जिस तरह के कश्मीर के लोगों ने वादी कश्मीर में की, या कोई और आपके जहन में किसी और तरह की मजामत है? देखिए डॉक्टर साहब, जिस वक्त हालात जो हैं, जब जब जबर बढ़ जाता है, लोगों को दीवार के साथ लगा दिया जाता है, लोगों को बोलने का जो उनका हक है वो छीन लिया जाता है, तो फिर ये सारी चीजें जो आती हैं उसमें से सब कुछ हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और आप तो हालात और वक्त ही बताएंगे कि क्या हालात पैदा होते हैं। अलबत्ता जो इस खत्ते के अंदर जो नौजवानों की आवाज़ है, जो पकार है, वो बड़ी और वाजह क्लियर है और एक बड़ा क्रिस्टल क्लियर मैसेज है पाकिस्तान के हुक्मरानों के लिए कि आप इस मुनाफत को छोड़ें और जो कब्जा है रियासत जम्मू कश्मीर का पर, इस कब्जे को भी खत्म करें और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो एक आज़ाद खुद मुख्तार सेकुलर जम्मू कश्मीर के लिए जदोजहद कर रहे हैं, इसको तस्लीम करें। और इसमें मैंने कल भी किसी प्रोग्राम में कहा था कि जो आज़ाद खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर है, बेसिकली ये पाकिस्तान की बहुत बेहतरी में है। और अगर पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर को मिलकर तकसीम कर लिया, तो मैं आज आपके प्रोग्राम में भी बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान 10 और 15 साल तक सरवाइव नहीं कर सकेगा। पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे से मिट जाएगा, इसलिए कि जब रियासत तकसीम हो जाएगी और जितने भी दरिया हैं रियासत जम्मू कश्मीर के, जिन दरियाओं की वजह से, जिस पानी की वजह से पाकिस्तान सरवाइव कर रहा है, पाकिस्तान के खेत कल्याण शादाब है, हिंदुस्तान जो है उन दरियाओं के रुख मोड़ देगा। और 10-15 साल अब भी इस वक्त भी देख रहे हैं पंजाब और सिंध और बाकी जो सूबे हैं वो पानी के लिए लड़ते हैं, दूसरे के खिलाफ बोलते हैं, और जब ये दरियाओं के रुख मोड़ दिए जाएंगे पाकिस्तान बंजर हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो सफा हस्ती से मिट जाएगा। अब भी मैं कहता हूँ पाकिस्तान के लोगों को कि रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी खुद मुख्तारी की सपोर्ट करें, हमायत करें, एक आज़ाद खुद मुख्तार सेकुलर कश्मीर जो है ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। जिस तरीके से ये आपने सुना होगा कि बहुत अरसा पिछले 73 साल पाकिस्तान के लोग और आज़ाद कश्मीर के वो चापलोस जो पाकिस्तान के गीत गाते थे, वो ये कहते थे जी कि एक मजबूत पाकिस्तान ही जो है वो जम्मू कश्मीर की आज़ादी का जामन है, वो आज़ादी का बेहतर रोल देता। पाकिस्तान स्ट्रांग तो नहीं हो सका, मजबूत तो नहीं हो सका, अब पाकिस्तान इतना कमजोर हो चुका है कि इसको बस एक धक्का देने की जरूरत है। अब भी हम जो है पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कहना चाहते हैं कि खुद मुख्तार जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में है। अगर पाकिस्तान के हुक्मरानों ने कोई ऐसी चाल चली, ऐसी साजिश जो है जो अरसा दराज से इनके ज़हनों में है, उस पर अमल दरामद करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान भी जो है रियासत तो हमारी तकसीम हो जाएगी, मगर एक बात है कि हम रियासत के लोग किसी न किसी वक्त किसी भी दिन जो है हम अपनी रियासत को मुतहद कर लेंगे, हम अपनी रियासत को दुनिया के नक्शे पर दोबारा ले आएंगे, मगर पाकिस्तान का जो है वो दुनिया से जो है वो नक्शा मिट चुका होगा। देखिए आपने बात की कि पाकिस्तान बंजर हो जाएगा, दरियाओं का रुख मोड़ दिया जाएगा, इससे मुझे याद आई कि जो अच्छी अंग्रेजी बोलने वाले वज़ीर आज़म साहब हैं वो आज गए हुए थे मुजफ्फराबाद में, और गालिबन क्वाला जो है प्रोजेक्ट उसका भी रुख यानी झेलम का रुख मोड़ने की कोशिश की जा रही है। पहले उन्होंने दरिया नीलम के साथ ये कुछ किया और जो कुछ मुश्किल बढ़ी हैं हमारी मुजफ्फराबाद में और दीगर इलाकों में, तो अब उसका भी वो किया जा रहा है, तो पाकिस्तान उसको कुछ नुकसान होगा या नहीं होगा, लेकिन कम से कम हमें तो वो बंजर कर रहे हैं और नुकसान दे रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, चूंकि पाकिस्तान ने हमारे जो वसायल है उन पर कब्जा कर रखा है, वो जो दरिया नीलम का जो उन्होंने रुख मोड़ा है वो आज हमारे सामने है, इसी तरीके से ये क्वाला पर भी जो दरिया झेलम का भी जो उनका प्रोग्राम है वो भी हमारे सामने आ चुका है आज। इसीलिए वो लोग भी जो पाकिस्तान के गीत गाते थे, पाकिस्तान के नारे लगाते थे, आज वो भी जो है नफरत का इजहार कर रहे हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक तब्दीली है और ये जो तब्दीली है ये आएगी और रियासत जम्मू कश्मीर पर इस काबज़ कुबत को एक दिन रियासत जम्मू कश्मीर से निकलना होगा,
जैसा कि मैंने कहा कि ये तो रियासत जम्मू कश्मीर से भी निकलेंगे मगर ये अपना वजूद भी खो देंगे, क्योंकि इनके जो तोसी पसंदाना अजायम है वो इनको ले डूबेंगे। ये जो लालच है और इस तरीके की चीजें इस मुल्क को ले डूबेंगी। और पाकिस्तान देखें, जब से बना है तो तकरीबन 24-25 साल के बाद जो है वो मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन जाता है। आज भी बलूचिस्तान के अंदर आप देख रहे हैं, एक बार वो मैं सुन रहा था इमरान खान का एक इंटरव्यू, वो कह रहे थे जी कि बलूचिस्तान के लोग पहले जो थे वो अपना हक मांग रहे थे और हमने उनको हक नहीं दिया, हमने हक नहीं दिया। तो फिर जब बलोचों ने बंदूक उठाई है तो अब वो हक की बात नहीं कर रहे, वो अब आजादी की बात कर रहे हैं। तो आज इस वक्त जो पाकिस्तान के हुक्मरान है, जरनैल है, जो भी है, आज वो बलूचिस्तान के लोगों के कदमों में बैठे हुए हैं, कह रहे हैं जी हमारी बात सुने, हम आपका हर हर मुतालबा मानने के लिए तैयार है, आप बलोची नहीं सुन रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो भी अपना हक मांग रहे हैं और पाकिस्तान जो है जम्मू कश्मीर के लोगों को हक देने के लिए तैयार नहीं है। और मुझे ये यकीन है, मेरा ईमान है कि वो वक्त आएगा कि पाकिस्तान के ये जरनैल, ये हुक्मरान हमारे कदमों में भी बैठेंगे, तो उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होगी। लिहाजा अब भी वक्त है कि वो हमारे साथ जो जुल्म और जबर का सिलसिला है उसको बंद कर दें, क्योंकि पाकिस्तान की जो जो कब्जा है गिलगित बल्तिस्तान पर और पाकिस्तानी मकबूजा जनूबी कश्मीर में, जिसे आज़ाद कश्मीर की कहा जाता है, ये एक खौफ की वजह से है। लोग जो हैं वो एक खौफ की जिंदगी गुजार रहे हैं और जिस दिन ये खौफ लोगों के जहनों से उतर गया उस वक्त ना ये जनरल रहेंगे पाकिस्तान के, ना ये हुक्मरान रहेंगे, फिर यहाँ पर कुछ और ही होगा। आज इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि अब भी वक्त है कि वो वक्त आने से पहले अगर रियासत जम्मू कश्मीर के वसायल अख्तियार हमें दे दिए जाएं तो पाकिस्तान के साथ हमारा मुस्तकबिल में एक बेहतर तलाकात, बेहतर माहौल डेवलप हो सकता है। अगर इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा तो फिर चूंकि पाकिस्तान के हुक्मरान और जनरल सबक नहीं हासिल कर रहे, मशरकी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, इन्होंने कोई सबक हासिल नहीं किया। बलूचिस्तान के लोगों ने बार बार इन्हें कहा कि हमें हक दो, इन्होंने नहीं सुना। आज बलूची ने जो है बंदूक उठा ली है। सिंधी जो है अपने हकूक के लिए बोलते रहे, पुरअमन जदोजहद करते रहे, उनकी बात नहीं सुनेगी। पश्तून जो है उनके साथ इन्होंने जुल्म और ज्यादतियां की। हम कश्मीरियों के साथ, चूंकि हमारा कोई तरीकाकार ही ऐसा है कि बहुत ही हम शरीफ लोग हैं, हम जल्दी जल्दी किसी को नाराज भी नहीं करते। अब भी जो इस खित्ते के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर आप नौजवानों को सुने, उनकी बातें सुने, तो आपको पता चलेगा जो आज से हमारी जो पहली नस्ल थी, दूसरी नस्ल थी, वो कुछ और सोच और मजाज की थी। आज का जो नौजवान है वो अपना हक लेने के लिए वो जो है उसने अंगड़ाई लेनी शुरू की है। तो अभी वक्त है कि अगर वो हमारी बात सुन लें, हमारे वसायल हमारे अख्तियार में दे दें तो बेहतर हो सकता है, अदरवाइज फिर कुछ और भी हो सकता है, ये इसको रोका नहीं जा सकेगा। आपने ये कहा जो इमरान खान की तकरीर बात की आपने या इंटरव्यू का हवाला दिया, वो तो उसके वजीर आज़म बनने से पहले की बात है। तो उसके बाद उन्होंने 101 पर के या 1001 यू टर्न किए हैं, ठीक है जी। लेकिन आप मुझे बताएं कि इस वक्त कहने को तो वो पाकिस्तान के वजीर आज़म हैं, अगर वो जेन्युइनली समझते हैं कि वहाँ के लोगों को हकूक चाहिए, वरना बांग्लादेश की तरफ वहाँ पर तहरीक चल सकती है, तो वो क्यों नहीं उन लोगों को हकूक देते? क्या इसके अख्तियार में कुछ नहीं है या कंट्रोल करने वाले कोई और लोग हैं? देखे ना जी के इख्तियार में तो इन बेचारों के पास है ही नहीं है, फौज का कंट्रोल है और फौज जो चाहती है वो करती है। बल्कि मैं कई बार ये सोचता हूँ कि पाकिस्तान को जो सियासतदान है उनको कहा जाता है जी कि ये गद्दार है, इन्होंने बड़ी लूटमार की है, इन्होंने बड़ी लोगों के सियासत जाती की है। अगर पाकिस्तान की तारीख पर नजर दौड़ाई जाए तो सबसे ज्यादा जो है वो जो है रियासत पाकिस्तान पर जो है हुक्मरानी जो वो जो फौज ने की है। अगर वो फौज ने हुक्मरानी नहीं भी की है, अगर कुछ सिविलियन हुए भी तो उनके पीछे भी पाकिस्तान की फौज रही है। तो बेसिकली सारा कंट्रोल तो पाकिस्तानी फौज का है। अगर ये कहा जाए जी कि पाकिस्तान की फौज के अंदर जो जनरल बैठे हुए हैं वो पाकिस्तान के दुश्मन है तो गलत नहीं होगा। अब पाकिस्तान के लोगों को जो है वो जागने की जरूरत है, होश में आने की जरूरत है कि पाकिस्तान की फौज को एक मुकदस गाय के तौर पर सामने ले जाया जा रहा है और उस पर कोई बात नहीं कर सकता। फौज का क्या काम है? ठेके लेने, कॉलोनियां बनानियां, जो हाउसिंग स्कीमें हैं और ये जो शादी हाल हैं और इस तरह के काम, ये फौज का काम है करने का। फौज का काम है वो जो है अपनी बैठकों में रहें और जहां उनकी जिम्मेदारी है, और पाकिस्तान के लोग जब तक इनको भगा कर वापस सरहदों पर बैठकों में नहीं भेजेंगे उस वक्त तक पाकिस्तान भी जो है, पाकिस्तान का जो गरीब तबका है वो भी बेचारा जो है इस हाल का शिकार रहेगा, भूखा प्यासा रहेगा। आपने कहा दिया कि पाकिस्तान जो है ना
उसके मसाइल बढ़ जाएंगे, बंजर भी हो जाएगा वो अर्बन, आपने ये भी कहा था सफा अस्सी से मिट जाएगा या कुछ लफ्ज़ इस्तेमाल किए थे आपने, अगर ऐसी होगी जैसे कि आप कह रहे हैं कि जरनैल जो है ये काम कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान ना रहा तो वो जरनैल कहाँ जाएंगे, तो पाकिस्तान का रहना जरूरी है ना, तो हम उनको ये भी तो देखना चाहिए ना कि देखिए लोगों को हकूक देंगे और पाकिस्तान मजबूत होगा तो ये जरनैल भी होंगे, इस वक्त बेशुमार जरनैल हैं तो वो फिर कहाँ जाएंगे, कहाँ पर जरनैली करेंगे, बस फिर वो ठेकेदारी करेंगे ना जो उनका पेशा है। अच्छा, इससे मुझे एक बात और बात याद आती है कि परसों का एक टीवी का प्रोग्राम है, तो वहां पर जो ना जो साहब बात कर रहे थे वो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो आदमी उसके बारे में कोई बात करता है 101% सच्ची क्यों ना हो, वो उसको बर्दाश्त नहीं करते, कबूल नहीं करते, और इस सिलसिले में बहुत से जो है ना जो माओ जो बड़े अच्छे स्कॉलर हैं उनको उनको नौकरियों से फारिग किया जा रहा है और उनके ये किताबें या किताबचे हैं उनको बैन किया जा रहा है, तो ये सिर्फ आजाद कश्मीर में नहीं है, अब वहाँ भी शुरू हुआ है पाकिस्तान के अंदर भी, और यानी अगर किताबें जब्त करेंगे और राइट ऑफ एक्सप्रेशन है उसको वो खत्म कर देंगे तो फिर क्या बनेगा, बल्कि मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है उस सेंस में कि जहां पर जज भी इंसाफ मांग रहे हैं, तो ये क्या होगा। हाँ ये देखे ना जी कि पाकिस्तान के जरनैल ही बेसिकली इस पाकिस्तान पर काबज है ना, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे वो जज हो, प्राइम मिनिस्टर हो या कोई प्रेसिडेंट हो, वो तो उन्हीं के लाए हुए होते हैं, उनकी मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं किया जा सकता, और जब उनके मामला जो जो कुछ वो चाहना चाह रहे होते हैं जब वो मुकम्मल हो जाता है तो उनको किक लगा कर आगे कर देते हैं, किसी और को ले जाते हैं, तो पाकिस्तान के लोग भी चूंकि बिल्कुल वो उनकी भी पोजीशन कोई इतनी अच्छी तो नहीं है ना सोच के लिहाज से, आज भी वो बहुत। यहाँ पर दो चीज मैं आप कहना चाहता हूँ, मसलन एक बात ये होगी कि आपके ख्याल में बलूचिस्तान के मसले को हल करने के लिए इमरान खान के पास कुछ नहीं है, इख्तियारात नहीं है, आप ये करना चाहते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये जो आप कहते हैं कि ये लेकर आते हैं तो शायद ये लफ्ज थोड़ा सा हो जाएगा अनपार्लियामेंट्री हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये पाकिस्तान के एक मीडिया में आया है तो मैं उसको उसे ऐसे कोट कर रहा हूँ, जो वो चूंकि शायद अफरीदी को भी सुना है कि वो काफी मराह दे रहे हैं, प्रमोट कर रहे हैं, तो किसी ने कहा जी भाई आप इस्टेब्लिशमेंट नया खोता तैयार कर रही है, ये कोट अनकोट, ठीक है ना, तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे। देखें जनाब वो बिल्कुल देखें वो बेचारा वो क्रिकेटर जहाँ कहीं भी जाता है वो कैमरे मैन उनके साथ होते हैं, जहाँ कहीं बैठता है उठता है बस उसकी वीडियोस बन रही हैं, शेयर हो रही हैं, वो तैयार कर रहे हैं ना, क्योंकि ये तो पाकिस्तान की बदनसीबी है ना, जो पाकिस्तान के जो वारिस हैं जो मालिक हैं उनको तो मौका नहीं मिलता, ये अपने जो कारखाने में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट तैयार करते हैं कारखाने से तैयार करके उनको लोगों पर मसलत कर देते हैं, तो अब तो पाकिस्तान के लोगों को भी सोचना चाहिए कि पूरी दुनिया पर उनको देखना चाहिए कि फौज का काम क्या होता है, फौज का जो काम है वो फौज कर नहीं रही है, फौज का काम है सरहदों की हिफाजत करना, जब वो वक्त आता है जंग का तो उस वक्त ये मार खाकर बैठ जाते हैं, बैठ की जंग में भी इन्होंने मार कही, कतर की जंग में वैसे पाकिस्तान को बांग्लादेश बनवा दिया, कारगिल में भी इन्होंने क्या किया, सियाचिन ग्लेशियर में इन्होंने कहा जी वहां तो घास नहीं उगती, तो जो इनकी जिम्मेदारी है वो तो करते नहीं है, जो इनका काम नहीं है सियासत करना वो करते हैं, तो ये तो पाकिस्तान के लोगों को चाहिए ना जी कि इनको पकड़े और वापस भेजे, पकड़ पकड़ कर सबको कि अपने अपनी बैरकों में जाकर रहे। अच्छा तो ये देखें जी, मैं ये चाहूंगा कि आप एक अलायंस के चेयर हैं और सुना है कि इस सिलसिले में आपकी एक जो 14th अमेंडमेंट हो रही है, वैसे तो इस बार तो पता चल गया, पहले आमतौर पर तो बताते भी नहीं थे तो पता चलता था कि कुछ पास हो गया है या अंगूठा लगा दिया गया, पास होना तो अच्छी बात ही करना, इन्हें अंगूठा लगा दिया इन्होंने, ठीक है जी, तो इस सिलसिले में आपकी जो मीटिंग हुई है आपके लाइंस की, उसमें क्या कोई लाया अमल तैयार किया गया है, यहाँ पर आप बताएंगे। बिल्कुल जनाब, हमारी अलायंस की मीटिंग हुई थी, उसमें एक तो हमने ये फैसला किया है कि लंदन पाकिस्तानी हाई कमीशन, बर्मिंघम पाकिस्तानी कॉन्सुलेट, मानचेस्टर और ब्रैडफोर्ड में हम मुजाहरे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन को भी लिख रहे हैं, और यहाँ पर जो मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट है उनको भी लिख रहे हैं, फॉरन ऑफिस को भी लिख रहे हैं, और इसके साथ साथ और भी बहुत सारे जो काम है कि वो हम कर रहे हैं, हम मीडिया के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के जो जिम्मेदार लोग हैं वो इन बेलगाम घोड़ू को लगाम दें और इनको अपने कंट्रोल में रखें, अदरवाइज जो है वो पाकिस्तान के लिए हम तो ऑलरेडी मुश्किल में है, हमारी हमारी तो स्टेट को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं,
ये जो बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये जितने भी वो एक्ट रद्द हो गया या जितने भी हुए, वो तो हमारी जो आजाद कश्मीर असम्बली के अंदर जितने भी वो बेरोजगार लोग बैठे हैं उनको उनसे तो अंगूठे लगवाते हैं ना ये। उनके तो रोजी रोटी का मसला है, उनकी तो अपनी आल औलाद का मसला है उनका। मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि जो आजाद कश्मीर असम्बली के अंदर बैठे हैं उनको पाकिस्तान से भी कोई हमदर्दी नहीं है। अगर उनको अपने मुल्क से जहाँ वो पैदा हुए, जहाँ पर उन्होंने परवान चढ़े जिस देश में, उसके नहीं हुए तो पाकिस्तान के साथ उनका क्या लेना देना है? वो पाकिस्तान के भी कोई खैर ख्वाह नहीं है, उनको अपनी रोजी रोटी का मामला है। अगर यही जो आजाद कश्मीर के मिमली मेंबर असम्बली है, अगर इनको भारतीय मकबूजा कश्मीर में भेज दिया जाए तो ये बीजेपी की और नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहे हो, बल्कि उनसे भी ये 10 कदम आगे हों। लिहाजा इसीलिए कहते हैं कि रियासत के जो लोग हैं वो इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ अपने अच्छे तलकात रखना चाहते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो मफादात हैं रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर उनका भी तहफ़ करेंगे, और इस खित्ते के अंदर हम चाहते हैं कि अमन हो। जिस तरीके से पूरी दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान हिंदुस्तान और जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये भी लोग अपनी जिंदगी को एंजॉय कर सकें, ये जो तबाही वो बर्बादी है इसका खात्मा हो सके, और रियासत जम्मू कश्मीर की आज़ादी के बगैर जो है वो इस खित्ते के अंदर कायम रखना मुमकिन नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के हुक्मरानों को चाहिए कि वो अरबों लोगों की जो जिंदगियां हैं उनको दौ पर ना लगाएं, उनकी जिंदगियों के साथ ना खेलें, उनको बावकार जिंदगी गुजारने दें, और जो एक छोटा सा मुल्क है रियासत जम्मू कश्मीर को बड़ा मुल्क नहीं है, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की मदद तो कर सकते हैं मगर इनकी इनके खिलाफ कोई प्रोग्राम नहीं रखते, ना ही कोई हिंदुस्तान पाकिस्तान का हम कुछ बिगाड़ सकते हैं। लिहाजा इस छोटे से खित्ते को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क के तौर पर तस्लीम कर लिया जाए, ये न सिर्फ इस खित्ते के अंदर अमन कायम होगा बल्कि ये पाकिस्तान हिंदुस्तान के जो अरबों लोग हैं उन पर भी बड़ा एहसान होगा, इस खित्ते के जो अड़ोस पड़ोस के ममालिक हैं उन पर भी बड़ा एहसान होगा, क्योंकि अगर ये सिलसिला रहेगा तो दहशत गर्दियाँ होती रहेंगी, तबाही बर्बादियाँ होती रहेंगी, तो फिर इसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। हो सकता है इसमें जनाब महमूद कश्मीर साहब, देखिए आपने कहा कि यहाँ पर मजारे किए जाएंगे, यूएन को लिखा जाएगा, मेंबरान पार्लियामेंट को भाई इतला की जाएगी, यहाँ पर एक पार्लियामेंट्री ग्रुप बना हुआ है, ठीक है जी, तो उसमें ज्यादातर ये नजर आता है कि वो ऐसे है जैसे कि वो पाकिस्तान के मफदात का तहफ़ करने के लिए है, क्योंकि उसमें कुछ आजाद कश्मीर या पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस भी हैं, तो इस चीज़ की जरूरत है कि इस वक्त जो है ना उनकी जो चेयर है डेबी एब्रम नाम है एमपी, तो उससे रब्ता किया जाए, मेरे तो वो रबते में है, खतो खिलाफत भी होती है हमारी, तो क्या आपका ग्रुप जो है उससे भी मिलने की कोशिश करेगा या उसको भी बताएगा कि ह्यूमन राइट वायलेशन सिर्फ उस तरफ नहीं हो रही, इस तरफ भी हो रही है, तो इस बारे में क्या प्रोग्राम है आपका? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है, बल्कि हम बिल्कुल इस उनके साथ रब्ता भी करेंगे, बल्कि हम हमेशा जो है इन चीज़ों को हाईलाइट करते हैं कि भारतीय मकबूजा कश्मीर के अंदर जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है वो दुनिया में उसको दुनिया उसको देख रही है, बल्कि ये जो आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान है इस पर इस तरफ भी जो है वो पाकिस्तान का इंतहा दर्जे का जबर है। आप बाबा जान इफ्तिखार करबलाई की जो है वो देख लें कि उनको सजा जो है वो 70 साल और 90 साल की सजाएं हो चुकी हैं, उनके जो दिगर साथी हैं उन पर बगावत और गद्दारी के मुकदमा दर्ज हैं, इस तरफ जो जो आज़ाद कश्मीर जिसको कहा जाता है यहाँ पर आपकी किताब समेत सैकड़ों किताबों पर जो है पाकिस्तान ने पाबंदी लगा रखी है, किसी को बोलने का हक हासिल नहीं है, जो भी बोलने की कोशिश करता है उसको फोन कॉल्स आ जाती हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, किसी को काम करने की इजाजत नहीं है। मैंने जैसा कहा ना कि एक खौफ का माहौल है इस पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के अंदर, लोग खौफ के माहौल में जो है अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं, और ये दुनिया को इस तरफ भी नोटिस लेना चाहिए कि इस तरफ जो पाकिस्तान का जबर है थोड़ी सी इधर भी नजर करें कि देखें यहाँ पर लोग कितनी लाइफ अपने इंजॉय कर रहे हैं, यहाँ पर जिंदगियां जो है पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसी वालों ने जो भी एक्टिविस्ट है उनकी जिंदगी को जहन्नम बना रखा है। अच्छा महमूद कश्मीर साहब, आपने कहा कि गद्दारी के मुकदमात हैं लोगों पर, तो बाबा जान का भी जिक्र किया, क्या इन लोगों ने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया था, कोई ऐसे काम किया था, या गद्दारी किसकी, क्या अपने मुल्क के साथ मोहब्बत का इजहार करना, वफादारी का इजहार करना, क्या ये जुर्म है या क्या ये गद्दारी के जुमरे में आता है? जी जी बिल्कुल, जो हमारे कुछ लोग कहते हैं ना ये इस्लामी बड़ा भाई,
इसके इससे अगर आपने हकूक मांगने की बात करेंगे या लोगों के साथ जो जुल्म ज्यादती होती है उसको रोकने की बात करेंगे तो फिर उन पर ये गद्दारी और बगावत के मुकदमा दर्ज करा देते हैं। उसकी मिसालें गिलगित बल्तिस्तान के अंदर आपके सामने मौजूद है। शेड्यूल 4 के तहत बेशुमार लोग हैं जो अपने घरों से नहीं निकल सकते, अगर कहीं जाना हो तो पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हमने कहीं जाना है। इससे ज्यादा जबर और इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी क्या हो सकती है। इस आजाद कश्मीर के अंदर शहीद असद साहब ने जम्मू कश्मीर का एक नक्शा छापा था, तो उस नक्शे की छापने की पदाश में उनको नौकरी से मुअत्तल कर दिया गया था। और बहुत सारे मामलात हैं इस तरफ जो है ना, लोग यहाँ पर बड़ा मुश्किल और एक तकलीफ दे माहौल से जो है वो अपनी जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगर आज भी मैं समझता हूँ कि बैन अल-अक़वामी सतह की जो बैन अल-अक़वामी जो कम्युनिटी है वो अगर इस आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरफ तवज्जो दें तो फिर देखें लोग क्या क्या कहानियां सुनाते हैं इस पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के जो इस्लाम के नाम पर बना था, किस तरीके से लोगों को जो है वो एक मुश्किल में इन्होंने मुब्तला कर रखा है, किस तरीके से खौफ और डरा धमका के उन्होंने घरों में बिठा रखे हैं। जो शख्स भी अपने रियासत की वसाइल की इख्तियार की बात करता है तो फिर उनकी नजर में ये पाकिस्तान का दुश्मन हो जाता है, हालांकि ना तो वो पाकिस्तान का शहरी है ना ही वो पाकिस्तान के हदूद के अंदर रहते हैं, वो तो अपनी रियासत के अंदर है, एक मुतनाजा रियासत जम्मू कश्मीर के जिसका फैसला होना वह बाकी है। और पाकिस्तान के आयन के मुताबिक भी जो है वो हम लोग जो कश्मीरी हैं पाकिस्तानी नहीं है, ना ही पाकिस्तान के हदूद के अंदर है, मगर फिर भी वो साथ आर्टिकल 257 उनको मेंशन किया करेंगे। ये जो लोग ये कहते हैं कि हम कश्मीरी नहीं पाकिस्तानी है तो उनको याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 257 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान क्या कहता है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड करना चाहूंगा, चूंकि टाइम खत्म हो रहा है, ये भी ऐड करना चाहूंगा कि मैं इसको पर्सनलाइज नहीं करना चाहता, शायद कुछ लोगों के नजदीक ये ह्यूमन राइट वायलेशन हो, मेरे बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज किए गए हैं। मैं वो कहते हैं कि आप वहां पर आओ और उनको उनके सामने अंगूठा लगाऊं और फिर जो है ना बैंकों को दोबारा वो एक्टिवेट करेंगे, और मैं जाऊंगा तो बैंक पता नहीं अकाउंट एक्टिवेट होगा नहीं होगा लेकिन मुझे डीएक्टिवेट कर देंगे। तो मतलब ये कहने का है कि मैंने जो तो लीगल तरीका है ना वो मैंने कोशिश की है, पासपोर्ट की कापी भी भेजी है, शिनाख्ती कार्ड का भी भेजा है, वो कहते हैं नहीं जी आपको फिजिकली यहाँ पर आना पड़ेगा। तो फिजिकल गया तो फिर वो आपका शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं ना, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, सोचा तो हूँ आप आए उनके साथ कोई बैठ के कोई थोड़ी चाय पानी पिए और जो आपके अकाउंट और ये भी नहीं है कि मेरा अकाउंट अल्लाह के फर्ज से खाली नहीं, लाखों रुपए हैं उसमें, लेकिन ये है कि अब मैं निकाल नहीं सकता, तो ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, ये ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है, किताबें मेरी गुम हो जाती है, ठीक है, मैं अपने बाप के स्कूल पर नहीं जा सकता, अपने बिल्कुल है, बल्कि ये जबर है ना जी, ये जो है ये जबर की इंतहा है ना, कि आपका तल्लुक पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर से है, आप अपने घर नहीं जा सकते, आपका जो अकाउंट है उसको फ्रीज कर दिया गया है, आप अपने वालिद साहब की कब्र पर नहीं जा सकते, तो इससे बड़ा जुल्म और जबर क्या हो सकता है। अगर आपने कुछ किया है, कोई पाकिस्तान के खिलाफ कुछ किया है तो आप तो पाकिस्तान के शहरी भी नहीं है ना, आप तो कश्मीरी हैं और ब्रिटिश सिटीजन हैं, आप यहाँ बैठकर अपने वतन की आज़ादी की बात करते हैं, जो लोगों के साथ ज्यादतियाँ होती हैं उसके खिलाफ आप बोलते हैं, तो ये चीजें तो उनको पसंद नहीं है ना। आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ कोई तोप तलवार तो नहीं उठाई, कोई बंदूक तो नहीं उठाई हुई। यहाँ पर एक क्लोज करने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, मैं कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलता, मैं पाकिस्तान की गलत कार्यों के खिलाफ बोलता हूँ, ठीक है ना जी, पाकिस्तान की गलतकारियों को उजागर करता हूँ, उनको एक्सपोज करता हूँ। ये मैंने कभी ऐसी कोई बात को बताए जो मैंने कही हो और वो गलत हो, अगर तो गलत हो तो फिर मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ। अगर पाकिस्तान ने जो गलत काम किया है विद रिलेटेड टू जम्मू कश्मीर या उनके अपने अंदर जो मिसाज हैं, तो उसका मतलब यह है कि आई एम स्पीकिंग द ट्रूथ, उनसे जो सच है जो वो हजम नहीं हो रहा। अगर वो चाहते हैं कि हम ना बोलें तो वो अपनी आदतों पर गौर करें ना, उनको बदलें। आप क्या कहते हैं? देखें जनाब के सच जो है यही तो वो सुनना नहीं चाहते। आप आज से ये छोड़ दें जो बाकी लोग करते हैं, चापलूसियां करना, उनकी जी हजूरियां करना, जय जयकार के नारे लगाना, तो आप भी गुड बुक में आ जाएंगे। और पाकिस्तान के अंदर देखें ना, ये जितने भी इकतदार, महमूद कश्मीरी साहब मुझे बैड बुक्स में रहने दे। जो मैं काम कर रहा हूँ ना, आप मैं अब्बास बार साहब से अक्सर बात करता हूँ कि हम जिंदगी की जो है ना अपनी आखिरी इनिंग खेल रहे हैं,
एक तवील जो है ना टाइम दिया मैंने स्ट्रगल के लिए जम्मू कश्मीर इंडिपेंडेंट जम्मू कश्मीर विद सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। मैं ये 1973 से काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब यह कहने का कि इतना इतनी लंबी स्ट्रगल करने के बाद, इतनी गालियां इल्जाम सहने के बाद, अब मैं इमरान खान नहीं हूँ कि यू टर्न करूँ। आई विल कंटिन्यू विद इट कम व्हाट मे इंशाल्लाह, ठीक है जी। मैं तो खत्म करता हूँ, आपका बहुत शुक्रिया आपने। मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ पाकिस्तानी मकबूजा जनूबी कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, खास करके ये जो 14वीं तरमीम जो लाई जा रही है आजाद कश्मीर के अंदर, उन्होंने भेज दी है आपको अंगूठे लगवाने के लिए। तो मैं अपनी रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों से ये अपील करता हूँ कि अपनी रियासत को बचाने के लिए मैदान अमल में निकलें, गिलगित बल्तिस्तान के लोग भी बाहर निकलें। कितना ये जुल्म और जबर करेंगे, एक दिन जो है इनको ये रियासत छोड़नी होगी। और जम्मू कश्मीर नेशनल इंडिपेंडेंस अलायंस यूके में पूरी टीम जो है JKNIA की, वो जनाब अपने लोगों के साथ है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर, आजाद कश्मीर के अंदर वो जो जुल्म ज्यादतियां हो रही हैं, लिहाजा 14वीं तरमीम के खिलाफ निकलें। और जो JKNIA है वो आपके साथ भरपूर तआवुन करेगा, आप बाहर निकले और हम आपके हमायत के लिए हर सतह पर जाने के लिए तैयार हैं। बहुत मेहरबानी जनाब, हम यानी JKNIA के जो पांच प्यारे हैं, हम उनकी क्यादत को तस्लीम करते हैं, उनके फैसले के मुताबिक हम जो है ना स्ट्रगल जारी रखेंगे जनाब। थैंक यू वेरी मच, और इस पर ख़त्म करते हैं। तो फिर इंशाल्लाह दोबारा किसी प्रोग्राम में आपसे बात होगी। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, शुक्रिया, मेहरबानी।